हेलो एवरीवन, कैसे हो? अरे हाँ, याद आया, लास्ट लेक्चर में कुछ ड्यू रह गया था आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू आप सोच रहे हैं शुरुआत का? क्यों, शुरुआत का नहीं है, ये पिछले लेक्चर का आपका थैंक यू ड्यू रह गया था। तो चलिए इस थैंक यू के साथ, ड्यू वाले थैंक यू के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने लास्ट लेक्चर के टॉपिक्स याद करते हैं। तो क्या क्या कंप्लीट किया था हमने? लास्ट टर्न पर हमारा हुआ था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। और क्या हुआ था? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन को भी एनालाइज किया था। फिर क्या हुआ था? इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ओके। तो इन तीनों से हमें पता क्या चला कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑल इनर्शियल फ्रेम में सही पाए गए। तो इन सभी के बेसिस पर एक नई चीज आगे बढ़ाई गई। क्या नई चीज आगे बढ़ाई गई? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, जरा याद करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या हुआ था, कि नेचर के सभी लॉज, ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स विल रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। मींस, जरा लिख भी लेते हैं, ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स, ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स। देखो भाई, बोलता भी जा रहा हूं तो जहां साफ नहीं तुम्हें समझ में आ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा, सुनकर के लिख लो, ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स विल रिमेन सेम, ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स विल रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। मतलब ये हुआ कि फिजिक्स के सभी लॉज सभी इनर्शियल फ्रेम में सही पाए जाएंगे, यानी प्रकृति न्यूटन के नियमों का पालन कर रही है, तो इसलिए यह सारे लॉज जो हैं वह इस रिलेटिविटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। लेकिन भाई, नेचर सिर्फ न्यूटन के नियमों से तो चलती नहीं है। चलती है क्या? सिर्फ इतना ही है, बल लगाया कुछ अवस्था में परिवर्तन होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ वेलोसिटी बढ़ेगी, सिर्फ इतना ही तो लाइफ है? नहीं, नेचर में ढेर सारे ऐसे फेनोमेना हैं जिसमें न्यूटन्स लॉज के अलावा दूसरे लॉज भी अप्लीकेबल होते हैं। कैसे, कौन कौन से, जरा याद कीजिए भाई, इसको नोट कर लेना। क्या क्या? अगर कुछ याद आ रहा हो तो, याद आया कूलम्स लॉ, कुछ याद आ रहा हो तो, याद आया कुछ याद आ रहा हो तो, मैक्सवेल लॉज, इन सबको भी जरा चेक किया जाए। तो पाया यह गया कि नहीं, कूलम्स ला या बायो सावर्ट ला या एम्पियर ला या फेराडे ला, मींस व्हाट आई वांट टू से, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से जो रिलेटेड फेनोमेना थे वह इस प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो नहीं करते थे। मतलब यह हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसमें या तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम की गड़बड़ी होगी, और अगर गैलीलियन गलत हुआ तो न्यूटन्स लॉज भी गलत हो सकते थे। तो फिर एक नई कहानी पर चलते हैं। मैक्सवेल लॉज को अगर थोड़ा सा आप देखना चाहें तो मैक्सवेल लॉज आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार लॉज थे। क्या क्या चार लॉज थे? डाइवर्जेंस इक्वल्स टू रो अपॉन एप्साइलन नॉट, डाइवर्जेंस बी इक्वल्स टू जीरो, कर्ल इक्वल्स टू माइनस डेबा बी बाई डेबा टी, एंड कर्ल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेबा ई बाई डेबा टी। याद आया? ये चारों याद आए, मैक्सवेल लॉज।
अब इन मैक्सवेल लॉज की हेल्प से मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस निकाले, वो इक्वेशन भी आपको याद आने चाहिए। क्या था? डेल स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाई सी स्क्वायर डेबा टू ई बाई डेबा टी स्क्वायर, या डेल स्क्वायर बी इक्वल्स टू वन बाई सी स्क्वायर डेबा टू बी बाई डेबा टी स्क्वायर। मीन्स यह इक्वेशन जरा समझिए, इनकी हेल्प से प्रूव किया गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाई म्यू नॉट एप्साइलन नॉट, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो इस वाले इक्वेशन से सी इक्वल्स टू वन बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्साइलन नॉट, और ये लगभग पाया गया 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अब ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आई, तो जरा फिर से सोचते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, कुछ याद आ रहा है? वेलोसिटी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम में वेलोसिटी क्या हो रही थी? वी एक्स प्राइम इक्वल्स टू वी एक्स माइनस वी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही थी। मींस वेलोसिटी किसी एक फ्रेम में जो स्पेसिफिक वेलोसिटी थी वह दूसरे फ्रेम में नहीं हो रही। तो फिर यहां पर भी मैक्सवेल ने डिड्यूस किया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतना आ रहा। तो इस स्पीड के बाद यह माना गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट मिली हमें वह किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक स्पेसिफिक फ्रेम में ही इतनी होगी, और यदि फ्रेम बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल जाएगी। बट लेटर ऑन यह प्रूव हुआ एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू मिल रही थी वही वैल्यू यहां पर भी थी। मींस यह माना गया कि नहीं, सभी फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ लाइट विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो अब इससे फिर कहानी क्या निकली? मतलब यह हुआ कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, किसी एक को गलत कहना होगा। तो फाइनली यह पाया गया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम वॉज वैलिड ओनली इन केस ऑफ, कौन सा? ओनली इन केस ऑफ लो वेलोसिटीज। मीन्स फॉर ओनली दोज वेलोसिटीज विच आर इनकम्पेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। याद हो गई बात? यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम लो वेलोसिटी वर्ल्ड के लिए था, और जो न्यूटन्स लॉज का इनवेरियंस था, न्यूटन्स लॉज का इनवेरियंस था, वह भी सिर्फ लो वेलोसिटी वर्ल्ड के लिए था। और जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो है वह लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होगी, तो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम शेक करने लगा। तो फिर कहानी में दूसरा मोड़ आया। क्या मोड़ आया कहानी में? यानी इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम को छोड़ते हैं और फिर किसी एक नए फ्रेम की खोज करते हैं। ठीक है, यहां से याद क्या करके आगे बढ़ना है? सभी इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ नेचर सेम होंगे। दूसरी कहानी, स्पीड ऑफ लाइट हर जगह सेम पाई गई। तो उस नई वाली कहानी की खोज में आइंस्टाइन ने इन दो बातों को लेकर के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स तैयार किए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये सारा कंप्लीट कर लो। तो आगे चलते हैं। आगे क्या काम था हमारा? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम के फेल्योर और मैक्सवेल के स्पीड ऑफ लाइट ऑब्टेन करने के बाद आइंस्टाइन ने दो पोस्टुलेट्स दिए। क्या थे? पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, तो इनमें पहला पोस्टुलेट क्या था? पहला पोस्टुलेट था ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स remain the same in all inertial frames. Okay, all the laws of physics remain the same in all inertial frame. Okay,
दूसरा पोस्टुलेट क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विल बी अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। मतलब फ्रेम किसी भी स्पीड से चल रहा हो, स्पीड ऑफ लाइट विल रिमेन एज इट इज। मींस पहला वाला कहां से आया? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ये फ्रेम है, देख लेना भाई, चलो लिख दे रहे हैं, ओके। दूसरा वाला कहां से आया? कॉन्स्टेंसी प्रॉब्लम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा वाला कहां से आया? स्पीड ऑफ लाइट के वैक्यूम में कॉन्स्टेंट वैल्यू होने के कारण। ठीक है भाई, इन दोनों को नोट करो, तब आगे चलते हैं नई प्रॉब्लम पर, लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। चले आगे, तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। क्या था टॉपिक? लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। तो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम में कहानी की शुरुआत एकदम वैसा ही होगी। कैसे? एक फ्रेम एस, एक फ्रेम एस प्राइम, ओके। एस प्राइम इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी। तो फिर अगर ये हम ले रहे तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा हुआ? एस फ्रेम में हो गया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टी। क्यों? आइडिया तो हमें यही मिला था ना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से कि एक्स और टी पर डिपेंड कर रहा जिधर मोशन हो रहा। तो यहां पर एस प्राइम को लेते हैं, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम, ओके। जरा यह समझिए, अगर एक इवेंट को, सॉरी ये एस था, अगर एक इवेंट को एस फ्रेम से ऑब्जर्व किया जा रहा, इवेंट है कहां पर? एस प्राइम फ्रेम का। तो हमारे इक्वेशंस क्या हो रहे हैं? एक्स इक्वल्स टू वी टी, वाई इक्वल्स टू जीरो, जेड इक्वल्स टू जीरो, एंड टाइम कैसा रहा? किस टाइम पर? टी पर। इसी तरह से दूसरे वाले फ्रेम में आते हैं, यह तो हुई एस की बात। अगर हम एस प्राइम फ्रेम में सोचे तो एस प्राइम फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होगा वह खुद को रेस्ट में पाएगा या मोशन में? ऑब्वियसली वो कैसा पाएगा? रेस्ट में। तो एक्स प्राइम इक्वल्स टू जीरो, वाई प्राइम इक्वल्स टू जीरो, जेड प्राइम इक्वल्स टू जीरो, किस टाइम पर? टी प्राइम टाइम पे, ओके। यह दो बातें होंगी। अब हमारा काम क्या होगा आफ्टर दिस वन? हमारा काम यह हुआ कि इक्वेशंस जरा बनाते हैं, एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स एंड टी, एंड टी प्राइम इक्वल्स टू अगेन एक्स एंड टी। अब हम कुछ कॉन्स्टेंट्स यहां लगा देते हैं। यह आइडिया हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से लिया कि एक्स और टी पर डिपेंड कर रहा है। तो ए एक्स प्लस बी टी, एंड हियर सी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट रहेगा, तो कुछ दूसरे कॉन्स्टेंट्स ले लेते हैं डी और एफ। ये हमारे दो इक्वेशंस मिले, और जहां पर ए बी सी डी, बोलो बोलो, डी एफ आर कॉन्स्टेंट्स, ओके। अब जरा ये वैल्यूज रखते हैं, तो देखो इक्वेशन ए इंप्लाइज जीरो इक्वल्स टू वी टी प्लस बी टी, सॉरी कुछ मिसिंग है ना, ए यहां पर ए भी था, ए वी टी प्लस बी टी। दिस इंप्लाइज बी इक्वल्स टू माइनस ए वी, क्लियर है? और दूसरा, अगर हम फिर से वापस ये वैल्यू बी की रख रहे हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बना? एक्स प्राइम इक्वल्स टू ए एक्स माइनस ए वी टी इक्वल्स टू क्या हो गया? ए एक्स माइनस वी टी, एंड द सेकेंड वन इज लेफ्ट एज इट इज, टी प्राइम इक्वल्स टू डी एक्स प्लस एफ टी। यह दो इक्वेशन देख लेना भाई, अगर ये सामने ना दिखाई पड़े, एक्स प्राइम इक्वल्स टू ए
होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वी टी, क्लियर है, टी प्राइम इक्वल्स टू डी एक्स प्लस एफ टी, इसे हमने ले लिया इक्वेशन नंबर वन, इसे हमने ले लिया इक्वेशन नंबर टू, टू एकदम सेम वही इक्वेशन नंबर बी है। नाउ वी आर कंसिडरिंग एन इवेंट, इवेंट क्या है हमारा, इवेंट है हमारा कि यहां पर जो इवेंट जो एक सोर्स है वह सी स्पीड से मूव कर रहा है, किस फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में, ओके तो अगर यह एस प्राइम फ्रेम में सी स्पीड से मूव कर रहा देन एक्स इक्वल्स टू सी टी, वाई इक्वल्स टू जीरो, जेड इक्वल्स टू जीरो, कब, एट टाइम टी। जरा दूसरे वाले काम को देखते हैं, इक्वेशन नंबर वन, एक्स प्राइम इक्वल्स टू ए, एक्स मीन्स सी टी माइनस वी टी, ओके एक्स प्राइम, एक्स प्राइम के बारे में सोचिए, यहां पर हो, इसे यहां से देखा जाए या यहां से देखा जाए, सी विल रिमेन द सेम, बट टाइम कितना हो गया, टी प्राइम हो गया, तो दिस एक्स प्राइम कैन बी रिटन एज कितना, सी टी प्राइम, ओके सो द इक्वेशन विल बी लाइक दिस, सी टी अगेन कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, टी प्राइम इक्वल्स टू, ये यहां लिखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करे दिमाग में, तो चलो हम यहीं लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए, सी टी प्राइम, टी प्राइम इक्वल्स टू डी एक्स प्लस एफ टी, एक्स को क्या करना है, याद कीजिए एक्स को क्या करना है, सी टी, ओके मींस टी प्राइम इक्वल्स टू टी डी सी प्लस एफ, डिवाइड करो जरा, तो मिला क्या, सी इक्वल्स टू ए टी सी माइनस वी अपॉन डी सी प्लस एफ इंटू टी, यह गया इक्वेशन, क्या बना, डी सी स्क्वायर प्लस एफ सी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए वी, या चाहो तो यहां पर ऐसे ही छोड़ सकते हो, ए सी माइनस वी, लो ये मिला हमें इक्वेशन नंबर थ्री, वन टू वहां ले लिया था, ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। फिर से ये जो इवेंट था, चलिए इस इवेंट को बदलते हैं, मान लिया ये इवेंट नंबर वन था हमारा, अब एक दूसरा इवेंट लेते हैं, यहां पर जो हमारा लाइट की स्पीड हमने अज्यूम किया था वो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, अब अगर यही लाइट की स्पीड एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो इवेंट नंबर टू, मतलब क्या हुआ, अब की बार यह फ्रेम और अब की बार सी इधर हो गया, ये तो भी था ही, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर से इक्वेशन वैसे ही देखिए, एक्स कितना हो जाएगा अब की बार इधर की तरफ, माइनस सी टी, वाई सेम, जेड सेम, कब, टी टाइम पे, ओके यूज कीजिए सेकंड इक्वेशन, एक्स प्राइम, एक्स प्राइम इक्वल्स टू वैल्यू रख रहे हैं ए, कहां से रखना था, इक्वेशन नंबर वन में ए, एक्स की जगह माइनस सी टी माइनस वी टी, एक्स के प्लेस पर कितना आ जाएगा, एक्स प्राइम इक्वल्स टू माइनस सी टी प्राइम इक्वल्स टू माइनस ए टी सी प्लस वी, ओके दूसरा वाला इक्वेशन फिर से वैसे ही लीजिए, टी प्राइम इक्वल्स टू माइनस डी सी टी, कहां से लिया था, एक्स सी टी था, माइनस सी टी प्लस एफ टी, सो द इक्वेशन विल बी हियर, टी प्राइम इक्वल्स टू माइनस 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 टी डी सी माइनस एफ, टी प्राइम इक्वल्स टू माइनस टी डी सी माइनस एफ, अब फिर से वही काम करते हैं जो ऊपर किया गया, यानी डिवाइड कर दिया, तो जरा यह वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, देख लिया,
तो हमारा रिजल्ट क्या मिल जा रहा है, माइनस सी इक्वल्स टू इक्वेशन देखो भाई, माइनस गया टी गया, ए सी प्लस वी अपॉन डी सी माइनस एफ, मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस डी सी स्क्वायर प्लस एफ सी इक्वल्स टू ए सी प्लस ए वी मीन्स सी प्लस वी, इसे हमने इक्वेशन नंबर फोर डाल दिया। अब इस इक्वेशन नंबर फोर के बाद फिर से हम एक इवेंट कंसीडर करते हैं। अभी तक हमने क्या लिया था, लाइट की स्पीड अलोंग पॉजिटिव एक्स, लाइट की स्पीड अलोंग नेगेटिव एक्स, अब चलिए ले लेते हैं लाइट की स्पीड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो जब हम यह पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लाइट की स्पीड ले रहे हैं, ये कौन सा था, इवेंट नंबर थ्री, तो क्या हो गया, कंसिडरेशन को जरा समझते हैं इधर की तरफ। ओके, ये रहा एस, ये रहा एस प्राइम। इस तीसरे इवेंट में क्या हुआ, एक्स तो वैसा ही पड़ा रहा, लेकिन अब की बार वाई कितना हो गया, सी टी, जेड इक्वल्स टू जीरो, कब, एट टाइम टी। तो जरा फिर से वही काम कीजिए, वहां से उठाइएगा एक्स प्राइम इक्वल्स टू ए जीरो माइनस वी टी, मीन्स एक्स प्राइम इक्वल्स टू माइनस ए वी टी एंड वाई प्राइम इक्वल्स टू सी टी, जेड प्राइम इक्वल्स टू जीरो, कब के लिए, एट टी प्राइम। क्लियर है ये। इसी तरह से दूसरा वाला इक्वेशन देखो, तो टी प्राइम इक्वल्स टू डी इंटू जीरो हो जाएगा, मींस बचा क्या, एफ टी। नाउ जस्ट कंसीडर दिस अप्रोच, मींस फ्रॉम इसका ओरिजिन हम ले रहे हैं ओ प्राइम, इसका ओरिजिन ओ। अब जो हुआ, यहां से यहां तक पहुंचे, ये डिस्टेंस हम डी अज्यूम कर लिए, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ प्राइम इन एस प्राइम डी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, एस प्राइम से, सो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, सारी वैल्यूज जरा रखिएगा, सी टी प्राइम, सॉरी यहां देखो ये छूटा हुआ था, सी टी प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्स प्राइम मींस माइनस ए वी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर प्लस जीरो, क्या बचा, सी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, मीन्स वी विल गेट हियर देखो भाई जगह बहुत कम बची है, ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर एफ स्क्वायर। भाई इससे ज्यादा जगह अब नहीं मैं अरेंज कर पाऊंगा, तो आप इसे नोट करो तब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ जगह तो मुझे चाहिए। या रुको, ऐसा करते हैं ये इतना क्लीन कर लेती हूँ। इक्वेशन सारे कलेक्ट कीजिए, कहाँ से कलेक्ट करना था, एक इक्वेशन हमारा मिला था ये, एक इक्वेशन हमारा मिला था ये, चलो कहाँ कहाँ क्या नंबर डाला था, थ्री डाला था, ये फोर हो गया, इस वाले को ले लो फाइव। ओके, अब थ्री और फोर को ऐड कर दो,
इस तीसरे इवेंट की जरूरत क्यों पड़ी थी, जरा समझना। यहां पर ए एफ डी, यहां पर ए एफ डी, तीन वेरिएबल सिर्फ दो इक्वेशन, तो इसलिए हमने यह तीसरा इवेंट लिया था। तो अब हमारे पास तीन इक्वेशन हो गए, जरा तीन और चार को यूज कर लो, अगर ऐड कर दोगे तो हमारे पास से क्या गायब हो गया, डी गायब हो गया, ए एफ बचा, और यहां लास्ट में देखो यहां भी ए एफ मिल रहा है। तो इक्वेशन नंबर थ्री प्लस फोर इंप्लाइज, ओके, थ्री प्लस फोर इंप्लाइज, तो थ्री प्लस फोर से कितना मिल गया, टू एफ सी इक्वल्स टू टू ए सी, टू एफ सी इक्वल्स टू टू ए सी मीन्स, समझ गए आप। अब इसे उठाओ, इक्वेशन नंबर फाइव में रखो, इक्वेशन फाइव इंप्लाइज, ये देख लो, ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर एफ स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर ले लिया, बचा क्या, ए स्क्वायर ले लिया, बचा क्या, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, देयर फोर ए इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सीधा सीधा यही पूरा कर लो, वन अपॉन कितना हो जाएगा, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यह आ गई ए की वैल्यू एंड हेंस एफ की वैल्यू। अब बचा क्या हमारे पास, ए और एफ हो गया, तुम्हारे पास एक और वैल्यू कहीं निकाला गया था, बी इक्वल्स टू माइनस ए वी, ठीक है, तो b इक्वल्स टू माइनस ए वी मीन्स v अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, चलो एक वैल्यू ये हो गई। अब ऐसा करो a b f को उठाओ यहां पर ले आओ, तो यहां लाओ चाहे यहां लाओ, जहां तुम्हारी मर्जी, चलो डी सी स्क्वायर प्लस एफ सी बोले तो ए सी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए वी, तो यह गया, बचा क्या, डी इक्वल्स टू, डी इक्वल्स टू माइनस 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 ए मीन्स, चलो वी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस तरह से हमारी यह कहानी पूरी हुई। कहां कहां से तुम्हें वैल्यूज लेना था, ए बी एफ डी। अब आओ अपने इक्वेशन पे, ए की वैल्यू उठा करके रखो, बी की वैल्यू उठा करके रखो, एफ की रखो, डी की रखो, एंड यू विल गेट द लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ओके, कंप्लीट कीजिए इसे, तब आगे चलते। हो गया भाई पूरा, अब चलो ये वैल्यूज रखते हैं, लगता है एक लाइन यहां पर और आई थी, x प्राइम इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वी टी, वैल्यू रखते हैं a x माइनस वी टी मीन्स x प्राइम इक्वल्स टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ओके, y प्राइम इक्वल्स टू y, z प्राइम इक्वल्स टू z, और फाइनली यहां पर आते हैं t प्राइम इक्वल्स टू डी एक्स प्लस एफ टी, डी 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 मतलब माइनस वी बाई सी स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस एफ, एफ मीन्स ए बोले तो t अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मीन्स t प्राइम इक्वल्स टू t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्या हो गया यह, इसे देखो इसे देखो इसे देखो इसे देखो, सुन रहे या नहीं, यह सारा मिला करके कहलाता है हमारा लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस सिस्टम। ओके, इसे कंप्लीट कर लीजिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।